उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने आजादी के अमृतकाल में समान नागरिक संहिता को लेकर प्रदेशवासियों से सुझाव देने की अपील की है। हालांकि समान नागरिक संहिता के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने पुष्कर सिंह धामी से भेंट की, इसके साथ ही सुझाव के लिए विशेषज्ञ समिति पोर्टल लॉन्च किया। मुख्यमंत्री ने समिति के अध्यक्ष और सदस्यगणों के साथ विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रदेश की जनता से वादा किया था कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। पहली कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता के लिए ड्राफ्ट के लिए समिति के गठन को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने समिति के अब तक के कार्यों की प्रशंसा करते हुए विशेषज्ञ समिति ने तेजी से काम किया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि विशेषज्ञ समिति प्रबुद्धजनों के साथ आमजन से सुझाव प्राप्त कर प्रदेश की जनता के लिए हितकारी समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करेगी। यह दूसरे प्रदेशों के लिए भी अनुकरणीय होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता के संबंध में उत्तराखंड की जनता का सकारात्मक रिस्पॉन्स है। अच्छे भावना के साथ किए गए कार्य सफल होते हैं। विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने बताया कि समान नागरिक संहिता के संबंध में सुझाव प्राप्त करने के लिए पोर्टल वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर प्रदेश के जनप्रतिनिधि, नागरिक, प्रबुद्धजन संगठन, संस्थाएं अपने सुझाव पर अगले 30 दिन अर्थात 7 अक्टूबर तक भेज सकते हैं। समिति हर सुझाव पर पूरी गंभीरता से विचार करेगी। उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ अवनीश जैन की रिपोर्ट।